हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है ये पूछा गया है, तो आइए समझते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने लिखा है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है। देखिए जब कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है सप्लायर के साथ डील करते हैं हम, ठीक है, सप्लाई के लिए, और अगर सप्लायर जो है उसके पास माल अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो उसे तो आप ऑर्डर लिखा देते हैं, फिर बाद में वो डिलीवर करता है, फिर बाद में आप पैसे देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए जो आप लिखाते हैं कि मतलब ये सामान चाहिए, ठीक है, आइटम की क्वांटिटी लिखवा देते हैं, ठीक है, कितने तारीख को लिखवाया गया ऑर्डर, ये पूरी डिटेल जो है लिखा दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है बाद में जा करके जब उसके पास उपलब्धता हो जाती है सामानों की, तो आपको ये माल जो है सप्लाई होता है, और फिर जो परचेज ऑर्डर है उसका ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ जो है रिसिप्ट नोट और ट्रैकिंग नंबर ये सारी चीज़ें इनवॉइस पर मेंशन करी जाती हैं, और ये पूरा जो प्रोसीजर है इसे बोलते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर मान लीजिए कि आपको माल रिसीव हो गया तो उसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में आप पास करेंगे, ठीक है, माल रिसीव हो गया तो आप रिसिप्ट नोट में सीधा सीधा एंट्री पास कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि माल में कोई गड़बड़ी है तो माल को रिसीव नहीं करना है तो उसे रिजेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है, इसीलिए ट्रैकिंग नंबर उसमें डाला जाता है, ट्रैकिंग नंबर के उसको ट्रैक किया जा सके कहाँ है क्या है, ठीक है।